हेलो इंडियन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम दिन गोगल साहू व्लॉग्स। तो पहले गाड़ी मोड़ लेता हूँ और निकल जाता हूँ फिर भैया के साथ। मतलब तो बड़े भैया आए हुए थे तो उनको जाना था ओरछा, तो फिर पूछते हैं चल रहे हो क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं भाई, ओरछा जाने के लिए तो रेडी रहते हैं। तो ओरछा निकलते हैं यहाँ से, और ये है, ये बैक रूट है मेरे घर से, अभी अभी जो रिसेंटली बना हुआ है कुछ टाइम पहले। तो यहाँ से निकलते हैं और हम जा रहे हैं जो ओरछा के बैक गेट जो बोलते हैं वहाँ से, क्योंकि वो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम आर साइड। मतलब मेरे घर से ऑलमोस्ट अगर आप प्रॉपर स्पीड पे जाओ तो 10 से 15 किलोमीटर है, और अगर आप झांसी की तरफ जाओ जो कि पीछे है, ये वाली जो रास्ता है वो जाती है क्या बोलते हैं राजगढ़ की तरफ, और ये वाली रास्ता जो जाती है पीछे की तरफ जाती है वो है झांसी की तरफ। तो मैं राजगढ़ की तरफ से जा रहा हूँ, वो पड़ता है मेरे को 10 से 15 किलोमीटर, और झांसी की तरफ जाता हूँ तो वो पड़ेगा मेरे को अराउंड 24-25, मैक्स टू मैक्स 30 किलोमीटर पड़ सकता है। तो यहाँ से चलते हैं, जल्दी भी पहुँचेंगे और धूप भी काफ़ी हो गई, तो फिर मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा धूप में रहूँ बाहर। तो निकलते हैं और चलते हैं तब तक। तो ये है वो शॉर्टेस्ट रूट जो कि होके निकलता है बहुत, मतलब दो चार दो तीन गांव हैं वहाँ से होके निकलता है, वो है शॉर्टेस्ट रूट। तो हम पहुँच जाते हैं फिर ओरछा जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर पहुँचने के बाद मिलते हैं हमें कुछ लोग जो कि बिना देखे रोड पार करते हैं, जैसे कि चाचा, और ऐसे होते हैं एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ इस साइड रहा मंदिर, और हम पैर लगाते हैं इस साइड गाड़ी पार्क पर, क्योंकि यहाँ पार्किंग भी देनी पड़ती है और सेफ्टी और क्योस ना हो उसके लिए। तो फिर हमने गाड़ी पार्क की एंड फिर हम चलते हैं मंदिर हमारे। तो इतनी सी ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंचते हैं राम राजा सरकार, राम राजा दरबार। तो यहां से फिर अंदर जाएंगे, ये तो अभी एंट्रेंस गेट है सिर्फ, अभी यहां से अंदर जाने के बाद फिर आएगा प्रॉपर एंट्रेंस गेट जहाँ पर हमें शूज़ वगैरह हमारे उतारने होंगे, और फिर हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं दर्शन करने। और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं और अमेजिंग चीज़ें हैं, अमेजिंग। तो यहाँ से अंदर चलते हैं और अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं हम। तो यहाँ से अब हम जाते हैं जूते सबमिट करने, जूते रखने हैं, और वैसे ये है जूता घर, और वैसे हम पंजाबी में ही बोलते हैं जोड़ा घर बोलते हैं, और जो कि मुझे मतलब पता नहीं क्यों अच्छा सा लगता है जोड़ा घर बोलना। तो यहाँ पर हम जूते उतारते हैं, जूते मैं पहने तो हूँ नहीं हूँ, मैं उतारता हूँ चप्पल अपनी कोल्हापुरी और रख देता हूँ। और फिर यहाँ से जाने के बाद अभी अभी जो गार्ड है उन्होंने बताया कि भाई कैमरेज अलाउड नहीं है, तो वो मुझे पहले से पता था बट उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई कैमरेज अलाउड नहीं है। तो कैमरे को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बंद, फिर भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग मैं कर ही लेता हूँ। तो ये है प्रॉपर एंट्रेंस सरकार जी की, तो यहाँ से एंट्री करते हैं, और फिर जैसे ही एंट्री करेंगे फिर वहाँ पर क्या है कि पहले कैमरा रख देता हूँ। अच्छा, जो है वो हमेशा से टूरिस्ट प्लेस रहा है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह हमेशा आते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि एक दो आते हैं, नहीं बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रहा, यहाँ पर हम दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं बाहर दर्शन करके लिए, और बट वहाँ फ़ोटो तो वीडियोज़ अलाउ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाए, मतलब वीडियो अलाउ नहीं है तो बना नहीं सकते हैं। और ओरछा आए हो, ओरछा मतलब मैंने आया हूँ, मैंने मतलब चप्पल पर पहनी वापस आ गया हूँ दर्शन करके। अगर ओरछा आए हो और यहाँ आके आपने अगर पूरी सब्जी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। यहाँ की पूरी सब्जी इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, यहाँ की पूरी सब्जी वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ आओ और खाना ज़रूर, मैं तो खा ही चुका हूँ, चलते हैं। तो ये है यहाँ की पूड़ी, पूड़ी नहीं सॉरी सब्जी, पूड़ी अभी आ रही है। गाड़ी उठाता हूँ अपनी पार्किंग से, और पार्किंग से गाड़ी उठाने के बाद फिर हम निकलते हैं बेतवा नदी की तरफ जो कि जस्ट बगल में है यहाँ से। तो चलते हैं बेतवा नदी की तरफ, और बीच में कुछ मंजर मिलता है हमें देखने को। क्या आपने ये देखा? मैंने भी देखा, ये हुआ कैसे?
आराम से भाई साहब। ये जो हुआ है ना अभी अभी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ है, वो है फोन। और फोन आपने देखा लास्ट मोमेंट तक भी उसने, उस बंदे ने फोन हटाया नहीं अपने कान से। मतलब सोचो कितना जरूरी कारोबार हो सकता है उस बंदे का। ओ माय गॉड, उससे जान, उसकी जान से भी ज्यादा। तो फोन को लगाए रखें, और आप गिरते हैं तो गिरते रहिए, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा। तो हम बढ़ते हैं, उसको बुलाते हैं, और हम बढ़ते हैं हमारे नदी की तरफ, जो कि है बेतवा नदी। यहाँ तक पानी आ जाता था पहले, तो जब वो पानी फुल हो जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल तो नदी की तरफ। और मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ का पुल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बन रहा था काफ़ी काफ़ी टाइम से, काफ़ी पुराने टाइम से। मुझे लगा था कि भैया बोलेंगे ऊपर चलना है, फिर वो बोलते हैं नहीं, हम नीचे से ही चलना है। तो हम जाते हैं नीचे से। तो ये जो मैं जा रहा हूँ नीचे से, ये है पुराना वाला पुल, जो कि मतलब बहुत मजबूत है। जब मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं बताऊँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं इस पुल को। इतना पावरफुल है ये, इतना मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और पता है अंग्रेज़ों के ज़माने में कितनी चीज़ें मतलब मजबूत हुआ करती थी। बनाए तो हिंदुस्तान के लोग ही करते थे ना, तो वही पुरानी की चीज़ें जो थी ना वो तगड़ी थी। तो ये है वो पुल, और ये है बेतवा नदी। यहाँ पर अभी सब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मतलब अपडेट यहाँ पर ये सब चलता रहता है। उस साइड होती ना, वो क्या बोटिंग है वो होती ना उससे। तो अब वापस चलते हैं यहाँ से। आगे तो मतलब एक और नदी है, जमुनिया करके एक, वहाँ पर नदी का नाम बोलेंगे, पुल का नाम है। तो यहाँ से चलते हैं, और ये है ओरछा का नया पुल, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा ओरछा के मंदिर, ये रही नदी, और ये रही रोड, और ये रही हमारी गाड़ी। सब कुछ यही है, यही है हम। कब उठेंगे हम? पता नहीं। तो कंटिन्यू करते हैं इसे, और चलते हैं अब हम वापस अपने घर। और घर के बीच में पड़ता है एक मंदिर, क्योंकि मैं दूसरी रोड से जा रहा हूँ, मतलब दूसरे ट्रैक से जा रहा हूँ। तो घर के बीच में पड़ता है एक मंदिर, तो वहाँ के भी दर्शन करेंगे, और उसके बाद चलेंगे फिर अपने घर। तो ये है काली जी का एक मंदिर, जो कि यहीं पर मैं बचपन से, बचपन मेरा यहीं बीता है। छोटे से मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बचपन मेरा पूरा यहीं बीता है। मतलब बचपना जो बोलते हैं, पूरा बचपन तो नहीं कहेंगे, बट बचपना मेरा यहीं बीता है। तो फिर अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। काफ़ी टाइम भी हो गया मैं झांसी आया हूँ, और मंदिर भी नहीं गया हूँ, तो दर्शन करते हैं। पहले गाड़ी लगा लेता हूँ साइड में, फिर हम चलते हैं हमारे दर्शन करने। तो मैं पहुंच गया हूँ मेरे घर, और मैंने गाड़ी भी अपनी लगा दी है, ये रही है। और मेरे को दोनों जगह इतनी अच्छी से दर्शन हुए कि मैं क्या ही बताऊँ। कि वैसे वैसे हो नहीं पाते, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा ही। तो मेरे को दर्शन इतने अच्छे से हुए कि मैं क्या ही बोलूँ। और वीडियो करते हैं चलो यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर अपडेट्स एंड फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स।